गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि स्टडी से रिलेटेड जितने भी टिप्स हैं कि हम कैसे एग्ज़ाम्स देंगे या बुक कंप्लीट होने लायक है, नहीं बचा नहीं है, पोर्शन कंप्लीट होने के लिए उतने टाइम्स अवेलेबल नहीं है, तो कैसे कवर कर पाए, ऑलमोस्ट पास हो पाए, यू नो, तो वो उससे रिलेटेड कुछ गाइड्स मैं गाइडेंस करूँगी। कौन से बुक्स को आपको रीड करने चाहिए, कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप रीड कर सकते हैं। सो इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मैंने बना रखे हैं एज अ सब्जेक्ट वाइज, तो आप उस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्टली आई कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर प्रमोटेड स्टूडेंट्स जिन्हें प्रमोशंस मिले हैं, आई मीन जिन्होंने जनवरी 2021 में रजिस्टर करवाया है फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर का, या जनवरी 2021 में एडमिशन्स लिए हैं, उनको प्रमोशंस मिले हैं। सो उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होंगे, तो आज हम देखते हैं कि बताते हैं आपको कि किस गाइड्स पेपर को, मतलब बहुत सारे के क्वेश्चंस हुए कि मेरे तो पोर्शंस कंप्लीट नहीं है, तो क्या मुझे कुछ इस टाइप्स के बुक मिल जाएंगे जो कि जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे और साथ में आंसर्स भी अवेलेबल होंगे। तो यस, आप ले सकते हैं, जैसे गोली बाबा के बुक्स होते हैं, एज अ नो प्रमोशन आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस गुल्ली बाबा पब्लिकेशन, तो बट मैंने मेरे पास, मैं भी कभी कभी वो बुक यूज़ करती हूँ अपनी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ है, तो आप वो बुक को यूज़ कर सकते हैं। देन कि आप पूछते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं कहाँ से डाउनलोड करूँ, एंड देन कि वो सारे लिंक्स यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो भी वीडियोस हैं हमारे पास अवेलेबल, उसके लिंक्स भी मिल जाएंगे, कुछ पीडीएफ्स होंगे आपसे रिलेटेड, जो भी इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ होंगे या कोई भी इंफॉर्मेशनल आपके वो जो हो सकते हैं, कुछ मेरे पास भी सॉल्व असाइनमेंट्स, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, तो वो चीज़ भी मैं डाल दूँगी वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये वीडियो ज़रूर बिना स्किप के देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज के मैंने बता रखे हैं, मैंने आगे बताने हैं, तो वो चीज़ आप देखो। फर्स्टली कि आप बहुत पूछते हो कि मैं टाइम टेबल कैसे मैनेज कर पाऊँ, मतलब किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूँ, मतलब ये है ना, तो एज आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आप चाहते हो कि अपने प्रॉपर एग्ज़ाम को पास कर पाओ, तो आप फर्स्टली मैथ्स को सॉल्व करके रख लो, या मैं कहूँगी कि अब जितने थ्योरी पेपर्स हैं ना, जैसे आपके इको 01 हो गए या BCS 011 है, ये दो चीज़ जो है ना बहुत ही थ्योरी पेपर में का है, और ये जो FEG 2 है वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक लेटर हो गया, एप्लीकेशंस एंड पैसेज रीड करके डालने होते हैं। उस वो FEG को आप, मैं कहूँगी कि उसको ज़्यादा मतलब टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन आप BCS 11 जो भी हमारा कंप्यूटर कोर्सेज का है, ये थ्योरी पेपर लेक्चर्स जिसमें बहुत सारे अवेलेबल हो पाते हैं, मतलब यूट्यूब पर उतने हैं नहीं, बट फिर भी, तो आप उस चीज़ के नोट्स मैंने टेलीग्राम पर दे रखे हैं, आप वहाँ से फाइल्स में से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देन कि जो भी हमारे मैथ्स हैं उनको आप सॉल्व करो, उसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखो, उसको एकदम स्किप मत करो। एंड BCS 11 जो मैंने अभी टाइम बताया कि आप उसको 2 घंटा डेली यूज़ करते हो, 2 घंटा या 2.5 घंटा उसको डेली टाइम दे देते हो, एज 1 घंटा आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा, उसको ऑब्जर्व किया, व्हाट इज़ द मेन क्वेश्चन एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड देन उसको अपने कॉपी में नोट करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, जितने होते हैं उतने प्रॉपर है, ठीक है, नहीं होते छोड़ दो, चाहो कि आप उस क्वेश्चंस को अपने बुक से कवर कर पाओ, उस क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करो, और जो भी नहीं हो पाते उसको छोड़ दो, उसको वहीं पे स्टॉप कर दो, बट उस क्वेश्चंस को इंटरनेट पे खोजो कि मिल जाए तो प्रॉपर, ठीक है, अदरवाइज आपके बुक पे अवेलेबल होते हैं, आप अपने बुक से कवर कर सकते हैं। रही बात कि इंपॉर्टेंस टॉपिक को पढ़ने की बात है कि आप इंपॉर्टेंस टॉपिक कैसे पढ़ सकते हैं, इससे रिलेटेड भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल कराया रखा है BCS 11 से रिलेटेड, तो आप उस चीज़ को भी वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, सॉल्यूशन भी है, टेलीग्राम पर भी अवेलेबल, और रही बात ECO 02 के, तो वो जो है वो आप 1 घंटा अगर डेली दिन में दे देते हो, उसके लिए मैं कहूँगी कि ज़्यादा आप उसमें इतने यूनिट्स दिए हुए, इतने ब्लॉक्स दिए हुए कि आप चाह के भी 6 मंथ में कभी कंप्लीट नहीं कर सकते हो। इस चीज़ के लिए आप क्या करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने ना अवेलेबल हो पाते हैं आपके पास, उस चीज़ को सॉल्व करो।
तो वो चीज़ जो है ना कि ईगो को कितना टाइम दे, तो वो चीज़ के लिए आप 1 घंटा निकाल सकते हैं, 1.5 घंटा निकाल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, वो बहुत होगा। क्योंकि आप यूनिट पे जाओगे ना तो फंसते चले जाओगे उस यूनिट में, आपको कुछ मिल नहीं पाएगा प्रॉपर। हाँ, अगर यूनिट इंपॉर्टेंस की बात करें तो उसमें 1 और 2 ब्लॉक 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो प्लीज़ उसको चेकआउट करिए वीडियोज़ में, मेरे बाकी के वीडियोज़ में। एंड रही बात लैब्स की, लैब्स के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, बहुत लोग पूछते हैं ये भी कि लैब के एग्ज़ाम कब से होंगे, थ्योरी एग्ज़ाम के पहले होते हैं या बाद में, तो वो चीज़ जो है ना वो मैं बता दूँ कि चाहे वो किसी भी सैम का लैब पेपर हो, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, किसी भी हो, वो थ्योरी पेपर के बाद ही कंडक्ट करवाए जाते हैं आपके 15 डेज़ बाद, 15 डेज़ 1 मंथ के अंदर ही हो जाते हैं एग्ज़ाम्स। तो उसमें आपसे पिछले बार जब हुआ था तो वो ऑनलाइन हुआ था, बहुत सारे तो एक मतलब वो जो कहते हैं ना कि 8, 9, 10 जो भी टाइम है उसको कवर कर लेता है। बट ये रहा बात कि आप लैब को टाइम देना चाहते हो तो ही फिजूल है टाइम देना उस लैब के बुक को, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम के बाद टाइम मिलता है 15 डेज़ का, तो उस टाइम में आप लैब के जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी बुक्स हैं उसको कवर कर सकते हो। लैब पे थ्योरी पेपर के एग्ज़ाम के पहले टाइम मत दो, वेस्टेज है आपके टाइम। तो अब रही बात सेकंड सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर में अगर थ्योरी पेपर की बात करें तो उसमें 4-5 पेपर है जो कि इम्पॉर्टेंट में आते हैं। तो उसमें क्या कहता है कि एक सी का बुक है तो उसको ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि इस BCA जो हमारा कोर्सेज है ना वो प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड कोर्सेज है, तो उस पर जोर दो, उस पर आप 2.5 घंटा 1.5 घंटा 3 घंटा जितना भी आप दे सकते हो अपना बेस्ट उस पर दो। मैथ्स पे वो 50 मार्क्स के मैथ्स है तो उसको कम ही लेके चलो। तो अब बात करते हैं कि मैथ्स में कितना है, तो उसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत, अपने कोर्सेज को कम्प्लीट कर लो बस उतना काफ़ी है। और बस मैथ्स जो भी है ना, किसी भी कोर्सेज का मैथ्स हो, किसी भी क्लास का मैथ हो, उसको बस रेगुलर प्रैक्टिस में लेके चलना होता है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आप प्रॉपर हो। एंड देन कि अब बात करते हैं हमारे और कौन से क्वेश्चन, MCS 012 है, असेंबली लैंग्वेज है, वो एक BCS 11 से रिलेटेड है थ्योरी पेपर। उसका जो थ्योरी है मतलब एज ए वो तो दोनों एग्ज़ाम प्रॉपर एग्जीक्यूट ही होता है, बट उसमें ना मैथ से रीजनिंग से रीजनिंग टाइप्स क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करो। और ये जो BCS 11 है ना काफ़ी मिलता जुलता है MCS 12 से, तो उसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कुछ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एज ए सॉल्व नहीं करते हो, एग्ज़ाम आ रहे हैं, छोड़ दो, उसको रहने दो, उससे ज़्यादा मार्क्स आपके कट ऑफ नहीं होने वाले। बट थ्योरी पेपर के जितने भी रीजनिंग में आ जाता है, जैसे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कि आपके मैप बनाना आपको आना चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट बनाना चाहिए, इस सब के वीडियोस भी जो मेरे चैनल पे हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये चीज़ है ना, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 1 मंथ अकेला टाइम ले लो। अगर 1 मंथ अवेलेबल ना हो तो फिर उसको इंपॉर्टेंस में लेके चलो, एज आपको फ्लोटिंग पॉइंट आना चाहिए, आपको के मैप सॉल्व करना है, बाइनरी ऑक्टा जितना भी आपको कन्वर्जन आने चाहिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगा। एंड मैं बात करूँ थर्ड सेमेस्टर की, तो थर्ड सेमेस्टर में मात्र अगर मैं बेसिस की बात करूँ थ्योरी पेपर की, तो 4 पेपर ही हैं आपके, अगर लैब को मिस करते तो, लैब को हटाते तो, क्यों ऑफकोर्स लैब को हटाने पड़ेंगे क्योंकि आप थ्योरी पेपर देते हो तो आप लैब को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अब बात कहूँ, अगर आप थ्योरी पेपर यूज़ करते हो ना तो आपका लगभग लगभग लैब भी कंप्लीट हो जाता है, बट उसको एक सकल मतलब यू नो होता है ना, तो आपके पास थ्योरी पेपर में 4 पेपर बचते हैं, 4 पेपर होते हैं आपके थर्ड सेमेस्टर में, जिसमें से आपका C++ होता है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर होता है सेकेंड, एंड थर्ड होता है कि आपके वो सिस्टम एनालाइजिंग डेटा है, एंड फोर्थ होता है कि मतलब DBMS होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो चीज़ है। तो ये 4 को आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चंस, क्योंकि ये कुछ रिलेटेड होते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, रीजनिंग से भी रिलेटेड होते हैं, तो उस चीज़ को आपको कवर करने की ज़रूरत है। अगर आपने एग्ज़ाम हमारे पास जैसे कि 3 मंथ बचे हुए, तो आप एज अ टाइम बनाओ कि आप कितने सब्जेक्ट को कितना कवर कर सकते हो और कितने टाइम में कवर कर सकते हो, उस पार्ट को उस टाइम को डिवाइड करते हो तभी आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो पाते। ये तो रहे थे टिप्स। अब मैं आपको टाइम टेबल रूटीन के बारे में बताती हूँ कि आप
बात स्टूडेंट ने बोला कि टाइम टेबल मेरे को बताओ कि मैं कैसे मैनेज करूं। आप ना आप एक बार जो भी है फर्स्ट सब मैं टिप्स दूंगी कि आप पहले जो भी अपने टाइम टेबल को है बस कैसे मैनेज करो, आप जैसे भी हो, नाइट हो या मॉर्निंग पर्सन हो, तो आई डोंट केयर एंड मैं उन दोनों के लिए बात बताने वाली हूँ। सो आप पहले ना कि आप दिन में क्या करो कि आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, ठीक है, एंड देन उसको शाम तक रिवाइज करने की कोशिश करो कि या आई एम मतलब मेरे को रिवाइज करना है, मेरे को एग्ज़ाम, खुद के टेस्ट लो, नेक्स्ट डे खुद के टेस्ट लो, ताकि आप अपने मतलब कितने टाइम में आप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर पा रहे हो, कि आपने एग्ज़ाम में कितने टाइम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेने हैं, वो चीज़ का पता चल जाएगा। आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि मैंने कितना टाइम लगना है और क्या नहीं लगना, ठीक है। एंड ये चीज़ है कि आप ये जब काम कर लो तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, जैसे नोट्स होते हैं या गेस्ट पेपर्स टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो भी अवेलेबल है हमारे पास, तो वो चीज़ देखो और सर्च करो कि मैंने कितने क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो आज हम आप देखते हैं कि जो भी हमारे इम्पोर्टेंस टाइम टेबल्स हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्टली आई डोंट नो कि आप मॉर्निंग स्टूडेंट हो या लेट नाइट स्टूडेंट हो। अगर आप मेरे तरह लेट नाइट स्टूडेंट हो तो उस उनके लिए मैं बताऊंगी कि आप जो भी अपना पोर्शंस रिमेंबर करने का पोर्शंस होते हो ना, उसको आप रात में जल्दी से मतलब उसको ना कवर करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको सुबह तो उठनी होना है, उठना ही नहीं है, तो उसको रात में ही कवर करने की कोशिश करो ताकि आपको आप ना आप एक बार जो भी है फर्स्ट समय मतलब टेस्ट लो, नेक्स्ट डे खुद के टेस्ट लो, ताकि आप अपने मतलब कितने टाइम में आप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर पा रहे हो, कि आपने एग्जाम में कितने टाइम में क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर लेने हैं, वो चीज़ का पता चल जाएगा। आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि मैंने कितना टाइम लगना है और क्या नहीं लगना, ठीक है। एंड ये चीज़ है कि आप ये जब काम कर लो तो आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, जैसे नोट्स होते हैं या गेस्ट पेपर्स टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो भी अवेलेबल है हमारे पास, तो वो चीज़ देखो और सर्च करो कि मैंने कितने क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो आपके पास थ्योरी पेपर में 4 पेपर बचते हैं, 4 पेपर होते हैं आपके थर्ड सेमेस्टर में, जिसमें से आपका C++ होता है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर होता है सेकेंड, एंड थर्ड होता है कि आपके वो सिस्टम एनालाइजिंग डेटा है, एंड फोर्थ होता है कि मतलब DBMS होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो चीज़ है, तो ये 4 को आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चंस, क्योंकि ये कुछ रिलेटेड होते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, रीजनिंग से भी रिलेटेड होते हैं, तो उस चीज़ को आपको कवर करने की ज़रूरत है। अगर आपने एग्ज़ाम हमारे पास जैसे कि 3 3 मंथ बचे हुए, तो आप एज अ टाइम बनाओ कि आप कितने सब्जेक्ट को कितना कवर कर सकते हो और कितने टाइम में कवर कर सकते हो, उस पार्ट को उस टाइम को डिवाइड करते हो, तभी आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो पाते। ये तो रहे थे टिप्स। अब मैं आपको टाइम टेबल रूटीन के बारे में बताती हूँ कि आप बहुत स्टूडेंट ने बोला कि टाइम टेबल मेरे को बताओ कि मैं कैसे मैनेज करूँ। अगर आप मतलब कि मॉर्निंग पर्सन हो तो आप सुबह में उठ के याद करो, ताकि अपने उस आने वाले दिन में याद कर पाओ। जैसे कि आज है, आज आपने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करा, एंड उसने अगर आप नाइट पर्सन हो तो आप नाइट में याद करो, रिवीजन करो। मैं चाहूँगी, मैं बोलूँगी कि आपने सब जितने भी सब्जेक्ट आपके थ्योरी पेपर के हैं उनको सबको उनके सब एक एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, और मैं कहूँगी कि 8 8 क्वेश्चन पेपर जो भी है सॉल्व, ऑल क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्व करो, 1 2 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व देखो, ऑब्जर्व करो, एंड देन बाकी क्वेश्चंस पेपर खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करो। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होने वाली है। दूसरी चीज़ की मेरे पास भी जितने वीडियोस हैं उनके मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या आप खुद चेकआउट कर लेना, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ एज अ लिंक डालना, तो वो चीज़ देख लेना। एंड ये कभी मत सोचो कि मैंने एग्ज़ाम है, मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया, क्या है नहीं है, कितने टाइम नहीं कर पाऊँगी, कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अगर आप ऐसे करते हो ना, तो फिर आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं करा, सारा टाइम मेरा फ्लॉप गया है, मैंने सारा टाइम वेस्टिंग कर दिया। बट ये आप सोचो कि मेरे पास जितना टाइम है उतना तो मैं कवर कर सकता हूँ, वो तो मेरे टाइम है ना, एग्ज़ाम से एग्ज़ाम के 1 2 घंटा पहले तक वो सारे टाइम आपके होने हैं,
और वो सारे टाइम आपके आपके लिए ये टाइम 3 मंथ का बहुत इनफ है, आपने कर लेने हैं, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम होती है ना, नीचे कमेंट करो, मैं आप लोग को जरूर रिप्लाई करूँगी और ज़रूर से ज़रूर आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस होते हैं उसको टेलीग्राम पर सेंड करो, मैं ज़रूर सॉल्व करके सेंड करने वाली हूँ। मैं आपको हमेशा ये बार बार जब भी मैं ब्लॉग्स वगैरह भी बनाती हूँ तो मैंने बता रखा है, बहुत सारे ब्लॉग्स भी अवेलेबल हैं, उसमें टाइम टेबल के लिए भी मैंने बता रखा है, एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स और भी ज़्यादा। तो वो चीज़ है, वो ब्लॉग्स में आपको, वो वाले ब्लॉग में भी दिख जाएगी, पुराने वाले ब्लॉग में। मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आप लोग को समझ आए कि आपने कैसे कंप्लीट। तो वीडियोस आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके लिए और मोटिवेटेड वीडियोज़ लेके आऊँ। और एक और बात मैं कहूँगी कि अब जो टाइम टेबल के वीडियोस हैं ना, वो मेरे ब्लॉग में, पहले वाले ब्लॉग में भी है कि मैंने टाइम टेबल अपने बता रखे कि मैंने कैसे सॉल्व करते हैं, मैं कैसे अपने टाइम टाइम को मैनेज करती हूँ। तो वो चीज़ जो है ना, वो आप जाके वहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं, आप वहाँ जाके देखें कि अब मैंने कैसे सॉल्व कर रखा है, मैंने टाइम को कैसे मैनेज करती हूँ। तो वो चीज़ आप सॉल्व करते हो, वो चीज़ देखते हो, तो आपको हो सकता है कि आपके कुछ बेनिफिट्स हो जाएँ या आपके लिए कुछ काम आ जाए, तो वो चीज़ आप जाके जरूर चेकआउट करना। वीडियो को बिना लाइक किए जाना मत, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर देना जो भी आपके पास क्वेरीज होंगी। और वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और ये जरूर कमेंट करके बताना कि कौन नाइट पर्सन है और कौन मॉर्निंग पर्सन है। तो वीडियोज़ को यहीं तक रखते हैं, टेक केयर, बाय बाय।